हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। तो आपने अभी अभी यूपी पॉलीटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और आप जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट जो हैं अप्लाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं इनकी लाइव क्लासेस भी लेता हूँ तो उनका भी फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट में जो बुक्स है सार्थक पब्लिकेशन की, उसके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन, उनके लिए वीडियो भी मैं बनाता हूँ। तो उसी वीडियो सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। इन वीडियोस में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में रख कर के सामने उनका सॉल्यूशन और उनको समझाता हूँ। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको जो मेरे थ्योरी क्लासेस हैं उनको देख लेना चाहिए, जिनमें कि मैंने डिटेल में इन चैप्टर्स से रिलेटेड या इन एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट को समझाया है। और एक बार जब वो कंसेप्ट आप समझ लेंगे और वहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन डिटेल में कराए हैं आपको, उनको आप समझ लेंगे, तब जा करके ये वीडियोस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप पहले कंसेप्ट समझें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उनके रिलेटेड वीडियो देख लें और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप इन वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं। या फिर आप कभी रिविज़न करना चाहते हैं, आप और घर से बाहर हैं, आपके पास कॉपी पेन बुक कुछ भी नहीं है, लेकिन आज की डेट में मोबाइल हर एक के पास होता है, तो आप सीधे चैनल पर जाकर के इन एक्सरसाइज के वीडियोस को खोल लें और उसमें आप एक से शुरुआत से लेकर के लास्ट तक सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपके पढ़ने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ ही साथ जब आपको रिवीजन करना होगा तो उनके लिए भी ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज हम इस सीरीज़ का पहला वीडियो शूट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जो समांतर श्रेणी चैप्टर है पहला, उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के और फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बता दूं कि इन वीडियोस को बनाने में जो मेरी हेल्प की है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक अभय यादव जो कि फैज़ाबाद से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी एक स्टूडेंट कोमल मिश्रा, इनका भी योगदान है इन वीडियोज़ को बनाने में हेल्प करने का। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 जो कि समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। कई सारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप एक दो समझ लेंगे तो फिर डिटेल में हम देखते चले जाएंगे। कैलकुलेशन सेम है, इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि कई सारे पार्ट हैं और वो सब एक जैसे हैं, तो इसलिए एक बार आप एक दो सीख लीजिए और उसके बाद आप बस स्क्रीन पर देख लीजिएगा कैलकुलेशन। मैं फिर उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखिए, पहला पार्ट है श्रेणी 4, 6, 8, 1 का 17th पद ज्ञात करो। तो देखिए, जब कोई श्रेणी का नाम नहीं दिया है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है या कोई और। तो हम क्या लिखेंगे, वी सी दैट T2 माइनस T1, यानी कि दूसरे से पहले पद का अंतर कितना है, तो वो हमने देखा कि वो 2 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, T3 माइनस T2, ये चेक किया, T3 माइनस T2 भी जो है हमारे पास 2 आ गया। अब हम देखते हैं कि T2 माइनस T1 की वैल्यू भी 2 आई है और T3 माइनस T2 की वैल्यू भी 2 आई है, तो हम लिख देंगे चूंकि अंतर बराबर है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, यानी कि AP है। और अब इस सीरीज़ का देखिए, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म तो 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर जो है वो D=2 हो गया और आपको क्वेश्चन में दिया था 17वां पद निकालिए, तो हमारे पास n जो है वो 17th हो गया। और TN क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिख भी दीजिए, जो दिया है वो तो ये तीन चीज़ें थी और TN जो है वो आपका ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें साफ साफ पता है कि nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, TN = A+N-1 × D, वो हमने फॉर्मूला लिखा। इसमें हमें n की वैल्यू जो है वो 17 है, तो n 17 डाल दिया हमने, a की वैल्यू डाल दी, d की वैल्यू डाल दी, सारी वैल्यूज डाल दी। देखिए यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स आ गए हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगे और सॉल्व करके जो है आपका 36 आता है। तो ये इस पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और nth टर्म वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है। आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। श्रेणी 1, 1/2, 0, -1/2 का 15वां पद ज्ञात करें। ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, T2 माइनस T1 आपने चेक किया और T3 माइनस T2 चेक किया, तो ये माइनस हाफ आते हैं। सिंस डिफरेंस इज सेम, हेंस गिवन सीरीज इज AP। फर्स्ट टर्म देखिए अब इसका क्या हो गया, ये दिया है हमें 1, कॉमन डिफरेंस आपने हाफ निकाल लिया है और 15वां पद निकालना है, यानी कि n की वैल्यू 15 दी है और TN आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो फिर से हम TN का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे nth टर्म का, A+N-1 × D, और देखिए उसमें वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सिंपल, ये आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो वो आप यहाँ से स्क्रीन को रोक करके वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
देखिए इसमें अब नंबर्स नहीं दिए हैं बल्कि 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 1 प्लस 2 एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉमा सो ऑन का एनवा पद ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो बच्चे 10th पास करके आए हैं वो ध्यान से देखें इस चीज़ को कि मैथमेटिक्स में आपको नंबर्स और ये इस तरह से जो वेरिएबल्स होते हैं उनके में डील करना आना चाहिए। इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है, बस देखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली T2 माइनस T1 हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं पे फॉलो करेंगे। और देखिए T2 माइनस T1 किया तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें LCM लेकर के, और देखिए यहाँ पर ये आपका 1 आ गया। इसके बाद 1 प्लस 2n स्क्वायर यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर भी देखिए सॉल्व करेंगे जो आप तो 1 ही आ जाएगा। तो हम फिर से लिख देंगे सिंस डिफरेंस इज सेम हेंस गिवन सीरीज इन AP। अब देखिए पहला पद जो है वो आपने यहाँ लिख दिया, डी आपका जो है कॉमन डिफरेंस 1 आ चुका है वो यहाँ लिख दिया, और हमें जो एन निकालना है यानी कि एन डैश यहाँ पे नाम दे दिया है क्योंकि एन अंदर इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो इसलिए जो है वो एन डैश नाम दे दिया है, वो वैल्यू एन है। और हमें टी एन डैश क्वेश्चन मार्क, जो एन डैश यानी कि एनवा पद जो है वो क्वेश्चन मार्क है, टी एन डैश क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे टी एन डैश इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन डैश माइनस वन इंटू डी, और एन डैश की वैल्यू इसमें एन रख देंगे। ए की वैल्यू यहाँ रख दी आपने, डी यहाँ रख दिया, एन डैश की वैल्यू एन रख दी, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए थे इसलिए आंसर भी हमारा नंबर्स की फॉर्म में नहीं आया बल्कि वेरिएबल्स की फॉर्म में आ गया। आइए अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, श्रेणी 3a माइनस बी 4a 5a प्लस बी कॉमा सो ऑन का छठा पद ज्ञात करें। तो फिर से हम T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 चेक करेंगे। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से किया जाता है। आपने डिफरेंस देखा सेम है, आपने वही लाइन लिख दी कि डिफरेंस सेम है तो AP है। और अब आपने देखो फर्स्ट टर्म ये लिख दिया यहाँ पे, डिफरेंस आपने जो निकाला वो यहाँ लिख दिया, छठा पद निकालना है तो एन की वैल्यू 6 हो गई और T6 क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीज़ें दी हैं और ये एक चीज़ जो है वो निकालनी है। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू डी, इसमें एन की वैल्यू 6 और ये सब वैल्यूज डाल देंगे तो ये सॉल्व होकर के आपका जो है 8A प्लस 4B, ये आपका सिक्स्थ टर्म आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट पे चलें, देखिए ये सीरीज दी है माइनस हाफ हाफ कॉमा 3/2 कॉमा सो ऑन का दसवां पद ज्ञात करें। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपने पहले डिफरेंसेस चेक किए तो पता लगा कि सेम है तो AP में आ गया, फिर दसवां पद निकालना है यानी कि T10 क्वेश्चन मार्क है, तो आपने फिर nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करा और यूज़ करने के बाद जब वैल्यूज पुट करें तो देखिए आपके पास -17/2 या 8/2, तो 8.5 ये आपका आंसर आ जाता है 10th टर्म का। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के ही सिक्स पार्ट पे चलते हैं, श्रेणी इतने इतने का अंत से 12वां पद ज्ञात करें। देखिए आपने थ्योरी वीडियोस अगर मेरे रेफर करे हैं तो आपको उसमें पता लगा होगा कि अंत से n में पद का फॉर्मूला होता है L-N-1 × D। तो आप देखिए यहाँ पे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि T2 माइनस T1 की वैल्यू भी 4 है और T3 माइनस T2 की वैल्यू भी 4 है, तो डिफरेंस सेम है इसलिए AP है। अब इसके बाद पहला टर्म आपको ये मिल गया, डिफरेंस आपने यहाँ से ये निकाल लिया है 4 और L आपका 86 है, और लास्ट से 12वां पद ये क्वेश्चन मार्क है। हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला अंत से nवां पद ये L गलती से लिख गए हैं, तो nवां पद इज इक्वल टू L-N-1 × D। L आपने 86 लिख दिया ये यहाँ पे, nवां पद यानी कि 12 यहाँ पे डाल दिया आपने और D की वैल्यू 4 डाल दी, देखिए सॉल्व होकर के 42 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी होता है जो किसी किसी बुक में दिया रहता है कि अंत से जो nवां पद है आप उसे प्रारंभ से निकालने की वो कौन सा पद पड़ेगा और फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मेथड करें आप, उसमें आपका फॉर्मूला सिंपल रहेगा लेकिन आपके लिए ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है कि आप अंत से nवें पद से शुरू का उसको शुरू में कन्वर्ट करें, या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कोई भी मेथड करें बात बराबर पड़ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के सेवन्थ पार्ट पे आइए, श्रेणी इतने का nवां पद ज्ञात करें। तो फिर से देखिए T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 करा हमने, दो दो आ गया यानी कि डिफरेंस सेम है यानी कि AP है। अब आप देखिए A की वैल्यू 2 हो गई, डिफरेंस आपका जो है वो भी 2 हो गया और nवां पद निकालना है, इसका मतलब आप n डैश माना है उसको फॉर्मूले में, तो n डैश इज इक्वल टू n और Tn डैश जो है वो क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग Tn डैश इज इक्वल टू a प्लस n-1 × D, a और n की वैल्यू सब में आपने डाल दी तो आपको nth टर्म 2n मिल जाएगा। फिर एट्थ पार्ट पे आ जाइए फर्स्ट के, ये लास्ट पार्ट है एट्थ का, देखिए एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं लेकिन इनमें से एक दो आपको डिफरेंट मिले, अंत से nवां पद निकालने वाला ये क्वेश्चन जो है वो अलग था, बाकी सारे लगभग एक जैसे हैं। श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 10वां पद ज्ञात करें। तो देखिए अभी हमने इसी श्रेणी का nवां पद निकाला था,
अब इसका 10वां पद है, फिर से आपने वही डिफरेंसेस चेक करके एपी चेक कर ली, जो वैल्यूज दी हैं वो लिखी और T10 आपको क्वेश्चन मार्क है, T10 क्वेश्चन मार्क है। तो आपने क्या करना है, यूजिंग वही फॉर्मूला nth टर्म का आपने लगाया है और उसमें फिर वैल्यूज पुट करके आपका nth टर्म यानी कि 10th टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। दी गई श्रेणी 68 प्लस 64 प्लस 60 प्लस सो ऑन का कौन सा पद -8 है। इसमें देखिए फॉर्मूला वही है nth टर्म का, बस आपको क्वेश्चन में बात दूसरी निकालनी है। उसमें था पद की वैल्यू निकालनी होती थी, इसमें कौन सा पद है यानी कि n की वैल्यू निकालनी है हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए आपको पहले चेक कर लिया आपने कि डिफरेंस सेम है और इसलिए वो AP है। अब आप लिख देंगे यहाँ पे a की वैल्यू 68 है, d की वैल्यू -4 ये आपने निकाल ली है और कौन सा पद -8 है, तो TN की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे दे दी है। TN की वैल्यू डायरेक्ट आपको -8 दे दी है, तो n क्वेश्चन मार्क हो गया आपके लिए। यहाँ पे n डैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि n कहीं और इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली n रखिए आप। तो अब देखिए TN इज इक्वल टू n टर्म का फॉर्मूला होता है TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n ही रखिए, इसे n डैश मत समझिए, है ना। तो यहाँ पर ये होगा TN की वैल्यू जो है वो -8 हो गई, जो पद है उसका मान दे दिया आपको, पद का नंबर कितना है, क्रमांक कितना है वो क्वेश्चन मार्क है। तो आपने पद की वैल्यू जो है -8 रख दी, ए वाली वैल्यू आपने 68 रख दी, डिफरेंस जो आपने निकाला है -4 वो यहाँ पे रख दिया और n -1 इसकी जगह भी यही निकालना है n आपको। आपने सिंपली इसको सॉल्व किया, देखिए आप इस नंबर्स को इधर ले जाएंगे तो ये नंबर जो है मिलकर के 76 बन गए, फिर 4 से डिवाइड हो गया जा करके तो n -1 बना, जो भी आया 19, फिर 1 उधर चला गया तो n की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इस तरह से हम आंसर जब इसका लिखेंगे, आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिखेंगे जैसे पूछा गया है दी गई श्रेणी का कौन सा पद -8 है, तो हम यहाँ पे इसके बाद लिख लेंगे कि यहाँ पे लाइन लिख लेंगे इसके नीचे आप, दी गई श्रेणी का 20वां पद -8 है और उसे आंसर कर देंगे। एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में जो वर्डिंग लिखी है उसी फॉर्म में आप आंसर लिखें तो ज़्यादा बेटर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। श्रेणी 3/4 1/4 इनमें इसमें और लास्ट में इसमें 3 दिया है, इसमें कितने पद हैं। तो देखिए लास्ट टर्म अगर दिया है तो ये एक फाइनाइट सीरीज़ है, मतलब इसमें पदों की संख्या कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इनफाइनाइट टर्म नहीं है। तो वही पूछ रहा है कितने पद हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर हम इसी को एनवा पद मान लें तो हमें फिर एन की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो देखिए इसमें पहले आप चेक कर लीजिए कि डिफरेंस क्या है, तो T2 - T1 और T3 - T2 किया, -1/4 - 1/4 आ गया, इसका मतलब डिफरेंस सेम है, तो ये AP हो गई। A की वैल्यू आपकी 3/4 हो गई, डिफरेंस आपने ये -1/4 निकाल लिया है और इसमें आप ये कर लें कि माना ये आप मान लें कि लास्ट टर्म ही nth टर्म है। देखिए वैसे तो nth इन जनरल कोई भी हो सकता है, आप इसको भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म भी को भी इन जनरल टर्म बोल लें, ये भी जनरल टर्म, उससे तो सब डिनोट होते हैं। तो अगर हम लास्ट टर्म को ही nth टर्म मान लें 3, तो उस केस में हमें n क्वेश्चन मार्क है, डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें क्या करेंगे हम, TN की वैल्यू आपने जो दी रख दे रखी थी लास्ट टर्म n ये 3 ये आपने डाल दिया यहाँ पे, a की वैल्यू डाल दी 3/4, n माइनस 1 ऐसे ही रखा रह दिया और d की वैल्यू -1/4 डाल दी। अब आपने केवल इसे सॉल्व करके n निकालना है, वही n लास्ट टर्म का नंबर है तो वही आपका टोटल पदों की संख्या भी आ जाएगी। तो आपने इसको सिंपली कैलकुलेशन करी है और कैलकुलेशन करने के बाद देखिए एन की वैल्यू 10 आ गई है। तो अब यहाँ पे फिर से आप नीचे लिखेंगे एक लाइन कि अतः दी गई श्रेणी में 10 पद हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे के थर्ड पार्ट पे आते हैं, किसी समांतर श्रेणी इतने इतने का कौन सा पद -168/2 है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, T2 - T1 और T3 - T2 करके डिफरेंस देखेंगे तो वो सेम आ रहा है, लिख देंगे हम डिफरेंस इज सेम, हेंस दिस गिवन सीरीज इज AP। अब देखिए एक तो इसमें क्या हो गया, 3/1/2 यानी कि 7/2 हो गया, डिफरेंस आपने -2 निकाल लिया है और कौन सा पद -168/2 है। तो हम मान लेते हैं TN पद जो है वो TN, इसमें L नहीं लिखेंगे कि लास्ट टर्म नहीं दे रखा है क्योंकि हमें नहीं पता है, तो TN जो है वो -168/2 हो गया, तो N क्वेश्चन मार्क हो गया, डैश वैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें nवां पद दे दिया है और n की वैल्यू कौन से क्रमांक का पद है वो चाहिए हमें। तो आप देखिए फॉर्मूला वही लगा देंगे nth टर्म का, TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें आप वैल्यूज़ रख देंगे और सॉल्व करके यहाँ पे देखिए n की वैल्यू जब निकालेंगे तो वह 87 आएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे जो लैंग्वेज थी वही लैंग्वेज यहाँ पे लिख दी है, देखिए अतः 87वां पद जो है वो -168/2 है। उसमें क्वेश्चन में पूछा था ना कि 168 एंड हाफ कौन सा पद है, तो 87th टर्म है
और आप देखिए इसमें पद के क्रमांक जो होते हैं वो पूर्णांक ही होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा पूर्णांक ही आना था, होल नंबर आना था, इंटीजर आना था। अगर ऐसा नहीं आता है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा आपका कहीं पे कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 हैं तो श्रेणी प्राप्त करें। देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है, ये समांतर श्रेणी के बारे में ना तो वो प्रथम पद देते हैं, फर्स्ट टर्म भी नहीं देते, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर भी नहीं देते, और बस ये दो कंडीशन दे देते हैं कोई भी, और श्रेणी प्राप्त करने के लिए कह देते हैं। तो आप देखिए अगर आपके पास दो अननोन टर्म है ए और डी, इन्हीं दोनों से सीरीज बनती है, यानी कि दो टर्म हमें चाहिए होते हैं सीरीज बनाने के लिए, तो इन दो टर्म को निकालने के लिए हमेशा देखिए दो कंडीशन दी होंगी। तो जैसे यहाँ पर तीसरे पद की वैल्यू दे दी है और सातवें पद की वैल्यू दे दी है, तो आपको दो कंडीशन बनेंगी और दो कंडीशन सॉल्व करके आप दो वैल्यूज़ ये आराम से निकाल लेंगे। जैसे ही आपको ये दो वैल्यू आती हैं फिर आपसे कोई भी टर्म पूछें या आपसे सीरीज पूछें आप आराम से निकाल सकते हैं। रेयर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि एक ही कंडीशन से एडजस्ट करके भी निकाल लिया जाता है, तो वो जैसा क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। बहरहाल यहाँ पे दो कंडीशन दी हैं, तो देखिए हम ए और डी को मान लेते हैं कि मानस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर उसका डी है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया है। अब जो है वो आप देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो T3 है आपका वो 18 दिया हुआ है, चाहें तो आप ऐसे लिखिए T3 इक्वल टू 18 और फिर T3 की वैल्यू डाल दीजिए। T3 की वैल्यू क्या होगी, आप nth टर्म से लिख सकते हैं इसकी वैल्यू a प्लस 2DA होती है। तो आपने कंडीशन डाली, या तो आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए T3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी और T3 की वैल्यू 18 दी है, तो इससे आपकी a प्लस 2D इक्वल टू 18 एक इक्वेशन आ जाएगी। तो आप इसे इस तरह से लिख लें a प्लस 2D इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या है, T7 इक्वल टू सातवां पद आपको 30 दिया हुआ है, तो T7 इक्वल टू वैसे तो फॉर्मूला a प्लस 6D होता है, T7 की वैल्यू 30 दे रखी है, तो यहाँ से इक्वेशन a प्लस 6D इक्वल टू 30। हमेशा इक्वेशंस को ऐसे लिखें कि अननोन वेरिएबल लेफ्ट में और जो कांस्टेंट है टर्म वो राइट में, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। अब आप जानते हैं छोटी क्लास में आपने पढ़ा है a प्लस 2D 18 और a प्लस 6D 30, ये दो इक्वेशन हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वेरिएबल्स को गायब करके जैसे a सब्ट्रैक्ट कर दें तो a कट जाएगा तो d निकल आएगा, d की वैल्यू फिर किसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका a निकल आएगा। तो वही यहाँ पर किया है कि सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करके d निकल आया और फिर d की वैल्यू आपने पहली इक्वेशन में रख दी है तो आपका a निकल आया। जैसे ही आपके ये दो अननोन वेर चीज़ें थी वो निकलती हैं आप ए पी को लिख सकते हैं आराम से, तो आप लिखेंगे अतः श्रेणी इज इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा सो ऑन, आपने वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू 12, फिर 12 प्लस डी यानी कि 3, डी की वैल्यू भी 3 निकाल ली है देखिए, फिर उसके बाद ए प्लस 2D यानी कि 12 प्लस 2 इंटू 3 ऐसे करके सो ऑन, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेने से 12 15 18 कॉमा सो ऑन, ये जो है वो ए पी आ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दो कंडीशंस के बेस पे दो अननोन वेरिएबल निकाले जाते हैं और फिर उनकी बेस पे आप कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब देखिए तीसरे का सेकंड पार्ट पे आते हैं, कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है और सातवां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो फिर से दो चीज़ें निकालनी है, आपको दो कंडीशन दी हैं, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मान लिया, सार्वंतर डी मान लिया। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है, T3 इक्वल टू 7 कह रहा है, तो T3 का फॉर्मूला आपने लगाया a प्लस 2d, ये इसके लिए वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाया है, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगी, तो a प्लस 2d ये आ गया और इसकी वैल्यू 7 दी है तो 7 इक्वल टू a प्लस 2d। अब सेकंड टर्म में दिया है कि सातवां पद तीसरे पद के तिगुने से अधिक है, तो तीसरे पद को निकाल रखा है उसके तिगुने से 2 अधिक है, तो पहले हम सातवां पद निकाल लें, तो T7 देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, T7 आपकी a प्लस 6d है, पहले आप इसे निकाल लेना चाहिए था आपको, ये पहले लिख लेते आप ऊपर, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन T7 जो है वो तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है, तो तीसरे पद को 3 गुना करके 2 अधिक कर दें तो आपको T7 मिल जाएगा, तो ये T7 इक्वल टू 3T3 प्लस 2, ये कंडीशन आती है। अब इसमें जो आपने T7 है वो रख देना है, T3 जो आपका था वो रख देना है, और T3 आपका देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये मिला हुआ है तो आपने वो रख दी वैल्यू और प्लस 2 रख दिया, a प्लस 2d की वैल्यू यहाँ से 7 डाल दीजिए और यहाँ से देखिए a प्लस 6d इज इक्वल टू इतना यानी कि a प्लस 6d इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। अब देखिए a प्लस 2d आपका 7 आया है और a प्लस 6d 23 आया है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका देखिए d निकल आएगा 4 और d की वैल्यू फिर आप इक्वेशन किसी में पुट कर दें तो a की वैल्यू भी आपकी
माइनस वन निकल आएगी। तो आपसे कह रहा था कि प्रथम पद निकालिए तो माइनस वन, सार्वनता निकालिए फोर, ये आपके आंसर्स आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस सिंपल से हैं, और फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के थर्ड पार्ट पे। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का चार गुना है, ये पहली कंडीशन है, तथा छठा पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात करिए। फिर से हम वही प्रथम पद और सार्वंतर डी मान लेते हैं, और ये कह रहे हैं कि तीसरा पद इसके पहले पद का चार गुना है। तो तीसरा पद पहले आप निकाल लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से एन की वैल्यू थ्री डाल दीजिए तो ए प्लस टू डी आ जाएगा। तो तीसरा पद जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं, तीसरा पद जो है वो पहले पद का चार गुना है, तो टी थ्री इक्वल टू फोर टी वन, ये फोर लिखना भूल गए हैं यहाँ पे, टी थ्री इक्वल टू फोर टी वन, और यहाँ पर देखिए आप फोर इंटू टी वन का मतलब जो है वो ए हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ से डी की वैल्यू ए की टर्म में मिल जाएगी आपको, डी इक्वल टू थ्री ए बाई टू। अब सेकेंड कंडीशन पर आ जाइए, छठा पद 17 है, तो टी सिक्स इक्वल टू 17, तो टी सिक्स का वैल्यू आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दीजिए तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब d की जो वैल्यू निकली थी वो d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका a निकल आएगा, और फिर a की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट में ही रख दीजिए तो आपकी d की वैल्यू निकल आएगी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या था कि श्रेणी ज्ञात करिए, तो श्रेणी कैसे निकलेगी, तो श्रेणी की वैल्यू इज इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी, इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए, आपकी सीरीज जो है वो निकल आएगी, ये 2, 5, 8, so on ये श्रेणी आ जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट होता है हमारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के फर्स्ट पार्ट पे, और देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/Q तथा क्यूवा पद 1/P हो तो सिद्ध करें पी क्यूवा पद 1 होगा। तो इसको करने का भी तरीका पिछले क्वेश्चंस की तरह है, आपको दो कंडीशंस दी हैं और उनसे सॉल्व करके आपको पी क्यूवा पद निकालना है। तो देखिए प्रथम पद और सार्वंतर डी मान लिया हमने, ये दोनों चीज़ें, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन आप लगा दीजिए, टी पी इक्वल टू 1/Q दिया है, तो टी पी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब जब बार बार फॉर्मूले से लिखने की जरूरत नहीं है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये इज इक्वल टू 1/Q हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन टी क्यू इज इक्वल टू 1/P है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/P हो गया। अब देखिए इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हम ए और डी निकालेंगे, तो सबसे पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए कट जाएगा, और आप डी की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 1/P क्यू आ जाएगी। फिर डी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे आप, तो यहाँ से सॉल्व करके देखिए ए की वैल्यू जो है आपकी 1/PQ आ जाएगी। अब टी पी क्यू निकालना है, यहाँ पर अब नाउ लिख दीजिए आप, नाउ का मतलब यहाँ पे ये रहता है कि अब हमने सारे काम कर लिए हैं और अब हम फाइनली जो है वो आंसर निकालने के लिए तैयार हैं। तो टी पी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि पी क्यू माइनस वन इंटू डी, इसमें आप ए की वैल्यू 1/PQ रख दें और डी की वैल्यू 1/PQ, ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपके 1/PQ आए हैं। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सब कट कट के, और ये दो टर्म तो कट जाएंगी लेकिन ये वाला टर्म कैंसिल होकर 1 आ जाएगा आंसर। तो हमें यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि पी क्यूवा पद 1 होगा, तो देखिए पी क्यूवा पद जो है वो 1 आ चुका है। तो ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इनमें आपको आंसर पता रहता है कि क्या लाना है। अब इसी तरह का देखिए क्वेश्चन नंबर फोर का सेकेंड पार्ट है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी है तो उसका पी प्लस क्यूवा पद बताइए। सेम प्रोसीजर जो भी फर्स्ट पार्ट में फॉलो हुआ है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमने मान लिया, फिर हमने पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन बना करके उसी तरह से किया है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके डी निकल आया, डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखें तो ए निकल आया। अब पी प्लस क्यूवा पद निकालना है, तो आपने फॉर्मूला लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसमें आपने ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, देखिए सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि पी क्यूवा पद बताएं, प्रूफ नहीं करना था, तो देखिए पी प्लस क्यूवा पद जो है वो 0 आ गया है। तो इस तरह से ये सेम प्रोसीजर कॉमन प्रोसीजर है, इसको फॉलो करके आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पे। यदि 2k प्लस 3 3k प्लस 1 तथा 5k प्लस 3 समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए समांतर श्रेणी में है तो इनका डिफरेंस सेम होगा, यानी कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2, बस आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, सॉल्व करके देखिए k की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सबसे पहले होना चाहिए था एक्सरसाइज में, यदि एपी की टेस्टिंग से रिलेटेड है। सेकंड पार्ट देखिए फिफ्थ का, ए के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में है, तो फिर से वही कंडीशन है, लैंग्वेज बस घुमा दी है थोड़ी सी, तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो अंतर समान होगा,
तो आप T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 कंडीशन लगा दीजिए, यहाँ से सॉल्व करके देखिए A की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर थर्ड पार्ट देखिए, उसमें भी वही चीज़ है, सिद्ध करें कि ये A माइनस बी का होल स्क्वायर ए कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए प्लस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। तो देखिए अगर आप इनके होल स्क्वायर खोलेंगे ना, तो इसमें माइनस टू ए बी आएगा, इसमें प्लस टू ए बी आएगा। तो आप एक तरह से देख सकते हैं माइनस टू ए बी से फिर टू ए बी जोड़ा तो जीरो हो गया, और फिर टू ए बी जोड़ा तो प्लस टू ए बी आ गया। होते हैं उस तरह से, लेकिन उसने कह रखा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टी टू माइनस टी वन निकालेंगे, इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए होल स्क्वायर खोल खाल के टू ए बी आ जाएगा। फिर उसके बाद टी थ्री माइनस टी टू करेंगे तो फिर देखिए सॉल्व करके टू ए बी आ जाएगा। अब फर्स्ट सेकेंड से क्या देखते हैं, डिफरेंस सेम है, अतः हमारी जो ये तीनों टर्म है वो ए पी में है। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो एक तरह के थे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आया हुआ है। देखिए किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः ए बी सी हैं, तो सिद्ध करें पी बी माइनस सी प्लस क्यू सी माइनस ए प्लस आर ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखिए चूंकि ए के बारे में यहाँ पे जिक्र है पहले से ही, तो इसलिए प्रथम पद और सर्वांतर जब मानेंगे हम समांतर श्रेणी के, तो ए और डी न मान करके एक्स और वाई, यहाँ पे गलती से लिख गए हैं, अदरवाइज देखिए आगे एक्स वाई ही यूज़ किया है उसको, तो ये एक्स वाई मान लें क्योंकि ए का यूज़ हो रहा है इसके अंदर। अब देखिए कंडीशन क्या है, पीवा पद जो है वो ए है, क्यूवा बी है और आरवा सी है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीन कंडीशन बना लेंगे। पी में पद ए है तो उसके लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दिया। टी क्यू इज इक्वल टू बी है, टी आर इज इक्वल टू सी है। तो इस तरह से ये तीन इक्वेशन बन जाएंगी। अब देखिए आप थोड़ा सा जो प्रूफ करना है उसको देखिए, आप क्या इसमें कंडीशन है, पी इंटू बी माइनस सी दिख रहा है, तो बी माइनस सी तब आप आएगा आपका जब आप सेकेंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही आप दूसरे टर्म में देखिए सी माइनस ए दिख रहा है, तो थर्ड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी माइनस ए आएगा, और ए माइनस बी कैसे आ सकता है जब आप फर्स्ट से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही काम हम अब करते हैं, क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है कि क्या करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ये कंडीशन बन गई। फिर ऐसे ही सेकंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया तो बी माइनस इक्वल टू ये क्वेश्चन बनी। थर्ड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो सी माइनस ये कंडीशन बनी। अब क्या करना है आपको, इस ये जो प्रूफ करना है इसका एल एच एस जो है उसमें आप ये बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए माइनस बी ये वैल्यूज रख देंगे। तो तरीका क्या होगा लिखने का, देखिए हम अब एल एच एस स्टार्ट कर रहे हैं। एल एच एस हमने लिया ये पूरा का पूरा, और देखिए ये जो ब्रैकेट्स हैं इनकी वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पर निकाल रखी है इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 में। तो हम यही लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 मान रखने पर, मान रखा आपने, आप इनको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करिए, फिर बाहर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे। जब खोलेंगे तो आपको, अब आपको पता ही है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, इज इक्वल टू जीरो लाना है, तो वो आएगा ही आएगा, तो वो जीरो आ गया, और इसलिए हमारा इज इक्वल टू आर एच एस लिख दें यहाँ पे, और आर एच एस जब आ गया है तो इसलिए हैंस प्रूफ्ड। अब आप प्रूफ लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये 6, और ज़रा सा बस आपको क्वेश्चन से देखना था कि आपको क्या करना है। पहले आप गिवन कंडीशंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, फिर क्वेश्चन से देखा मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं, सब्ट्रैक्ट करा, और फिर एल एच एस में जैसी वैल्यू पुट करी आंसर हमारा जीरो आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्या कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो ये तो हमें पता करना पड़ेगा कि टर्म्स सब्ट्रैक्ट करके, तथा इस श्रेणी के 50 पदों का योग ज्ञात करें। तो अब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, या फिर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम थ्योरी क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सम ऑफ टर्म्स पे स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, तो देखिए 4 बाई रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 8 बाई रूट 2 प्लस सो ऑन, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप देखिए टी टू माइनस टी वन जब आप करोगे तो 3 रूट 2 माइनस 4 बाई रूट 2, आप रूट 2 एलसीएम ले लेंगे, 6 माइनस 4 2 बाई रूट 2, रूट 2 से यहाँ पे एक बचेगा रूट 2। फिर टी थ्री माइनस टी टू करेंगे तो वो भी इसी तरह से सॉल्व होके और आपका 2 बाई रूट 2 यानी कि रूट 2 आ जाएगा। तो डिफरेंस आपके सेम हो गए, इसलिए ये ए पी में है। तो ये आप यहाँ पर प्रूफ कर देंगे, प्रूफ्ड लिख देंगे, क्योंकि आपको जो है प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब इस श्रेणी के 50 पदों का योग ज्ञात करें, तो देखिए ए की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पर डी की वैल्यू डिफरेंस आपने रूट 2 निकाल लिया है, 50 पदों का योग निकालना है तो एन इक्वल टू 50 हो गया, और एस एन हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आप जो है वो एस एन क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद अब आप सीधे फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे आप, तो आपका ये इतना आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस देखने में ऐसा लग रहा था कि कैलकुलेशन पता नहीं कैसे होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कई सारे पार्ट हैं और सारे के सारे एक जैसे हैं, निम्न समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें।
सबके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, निम्न समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें, और कई सारे टर्म हैं, कई सारे नहीं कई सारे पार्ट हैं इसके अंदर। तो देखिए पहला पार्ट है 5 + 8 + 11 + 14 के 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो सीधे हमने ए लिखा, डिफरेंस समांतर श्रेणी दे रखा है इसलिए टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, 8 - 5 करके हमने डी निकाल लिया और 22 पद यानी कि 22 हो गया, और साथ ही साथ आप एस एन जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो सीधे आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, एस एन इज इक्वल टू 10/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से सीधे आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखिए फिर से एक सीरीज दी है, फिर से आप वही फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट में फिर से 23वां पद तथा 23 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो 23वां पद आपका एक काम और बढ़ा दिया, इसमें टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके टी एन निकाल लेंगे 23वां पद, और फिर 23 पदों का योग निकालना है। तो फिर से वो वही वाला फॉर्मूला जो हर पार्ट में चल रहा है वही आप यूज़ करके यहाँ पे लगा देंगे। फोर्थ पार्ट पे आइए चलते हैं, n - 1 / n, n - + n - 2 / n + n - 3 / n + 1 के n पदों का योगफल ज्ञात करें। तो n डैश मानने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप इसे मत लिखें। a की वैल्यू ये हो गई, d डिफरेंस आपने सब्ट्रैक्ट करके इनको सब्ट्रैक्ट करना है, वो प्रोसीजर नहीं दिखाया है, आप उसे कैलकुलेट करें, -1/n आ जाएगा, और n पदों का योगफल यानी कि n पद हैं और sn जो है वो क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह आपको n ही रखना है, और a की जगह आपका ये वैल्यू पुट हो जाएगी, d की जगह ये पुट हो जाएगी, और बस आप इसको सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे और सॉल्व होकर के ये n - 1/2 आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट पे देखिए, a + b + 2a + 3a - b + 1 के n पदों का योग ज्ञात करो। तो फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया, डिफरेंस आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लें, ap तो दे ही रखी है और n की वैल्यू n है, और आपका सम निकालना है यानी कि sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कर दें। आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा वो हो सकती है अलग अलग हर क्वेश्चन में, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा ही आंसर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना है जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से उसका आंसर है। अब सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं, देखिए 4 + 8 + 12 के 10 पदों का योग ज्ञात करें। बिल्कुल सेम को सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं हम, आपने ए की वैल्यू 4 लिखी, डिफरेंस निकाला d = 4, 10 पदों का योग ज्ञात करना है यानी कि इनकी वैल्यू 10 है और sn हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ये भी लिख लिया करिए, ये छोड़ दिया है इसमें हर क्वेश्चन में। तो sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज पुट करी और इसके बाद आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है हमारा। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 के यानी कि समांतर श्रेणी चैप्टर का पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपको कभी भी कोई दिक्कत हो इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप थ्योरी वीडियोज़ को पहले रेफ़र कर लें, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनको पढ़ने के बाद ही आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चंस को बताने की स्पीड फास्ट है। इन क्वेश्चन को डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे या क्या पूरा प्रोसीजर होगा या पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी वीडियोस में मिलेगी। यहाँ पर ये एक केवल आपके प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम टाइम पर रिविजन के लिए ये वीडियोज़ बनाए गए हैं, या फिर आप कभी घर से बाहर हैं तो आप इन वीडियोज़ की हेल्प से आराम से अपनी एक्सरसाइज रिवाइज कर सकते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का नाम आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा एम्पलीट्यूड स्टडीज़, और इसके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ से रिलीज़ हों उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।